हत्या के मामले में लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खीरी पहुंचे हुए हैं। पोस्टमार्टम हाउस को संजय सिंह ने घेर लिया है। आरोपी सीओ पर एफआईआर के लिए संजय सिंह अड़ गए हैं। हत्याकांड में सीओ शामिल है ये संजय सिंह ने कहा है। और मृतक विधायक के बेटे की अगर आप बात सुनेंगे तो वो भी चीख चीख कर यही कह रहा है भारत समाचार में। पुलिस संरक्षण में मुन्ना भैया की हत्या हुई है ये कहना है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का। हत्या की एफआईआर लिखी जाए, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, आरोपी सीओ को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आप पार्टी ने आंदोलन का ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से एक के बाद एक वारदात हो रही है और उसमें पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट है उससे स्वाभाविक है विपक्ष सवाल उठाएगा। और यही वजह है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं और उत्तर प्रदेश को 5 साल तक उन्होंने चलाया है, उन्होंने भी सवाल दागे हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। पुलिस की उपस्थिति में आज दिन दहाड़े लखीमपुर खीरी में 3 बार के विधायक रहे नरेंद्र मिश्रा की हत्या कर दी गई। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि पुलिस ये बताने में लोगों को लगी थी कि उनकी हत्या नहीं हुई है, उनको हार्ट अटैक हुआ है। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस पर ट्वीट किया है। यूपी लखीमपुर खीरी के पूर्व विधायक की हत्या करना निंदनीय है, चिंताजनक है, सरकार दोषियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करे। ये 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का सवाल है सरकार से। 3 बार के विधायक रहे नरेंद्र कुमार मिश्रा जी की हत्या, लखीमपुर खीरी में हत्या कर दी गई, ये सवाल है। जितिन प्रसाद का पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने ये सवाल पूछा।